नितिन, जर्मन टॉट कोर्स के बारे में बताए ना। डिफिकल्टी लेवल? हाँ, ये तो यार मैं इस पे आई थिंक एक दो वीडियोस पे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी कि जो जर्मन टॉट कोर्सेज होते हैं वो उनके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है, उसमें ऑलरेडी आपको डे एस हा करना होता है, जो डॉयचे स्प्राखे फॉर दी हॉकशूला होती है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज फॉर यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल। तो वो लेवल इतना सफिशियंट होता है, वो नियर नेटिव लेवल होता है जर्मन का, कि आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, उसमें थ्योरीज पढ़ सकते हैं, उसमें एग्जाम लिख सकते हैं, उसमें लेक्चर समझ सकते हैं। तो आपको एडमिशन ही तब मिलेगा जर्मन टॉट कोर्सेज के अंदर जब आपका जर्मन लेवल, जर्मन का वो लेवल पहुंच जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इन दी एंड मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जो हमारे रीजन में लोग इंग्लिश में किताबें पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, बैचलर्स की पढ़ाई इंग्लिश में की होती है, स्कूल कॉलेजों में इंग्लिश पढ़ी होती है, और जब वो जर्मन सीखते हैं और जर्मन में पढ़ते हैं, तो वो लेवल तो नहीं आ सकता जो आपको, जिस लेवल की आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, इसका तो कोई डिनायल नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जर्मन कोई सीखने के बाद भी आप उसमें नहीं पढ़ सकते, ठीक है, कोई ऐसा भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स अगर जर्मनी में चूज कर रहे हैं तो आपकी मोटिवेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप ये अपने आप को बताएं कि यार मैं अब C1 C2 लेवल की जर्मन कर रहा हूँ, या मैंने डे एस आ कर लिया 1 साल का फुल टाइम जर्मन लगा के, ग्रामर रीडिंग हर चीज मुझे आती है, तो अब मैं इसके अंदर कंफर्टेबल हो जाऊंगा पढ़ने के लिए भी, तो इस लिहाज से उसको सोचे। मगर मैं जो मेरी लोगों से बात हुई है, मुझे अक्सर लोगों ने यही कहा जिन्होंने जर्मन में पढ़े हो, जिनको इंग्लिश भी आती है, कि वो कहते हैं कि यार ऑफ कोर्स इंग्लिश में जो हमारा एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो इंग्लिश हम समझते हैं या बोलते हैं, वो जर्मन सीखने के बाद भी बड़ा टाइम लगता है वो आते आते, और ऑफ कोर्स वो लगेगा भी, क्योंकि इंग्लिश आप कितने सालों से सीख रहे हैं। अगर तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गए हैं, ठीक है, तो आप शुरू से किंडरगार्टन से केजी क्लास से लेके 12th ग्रेड तक, या आगे आपने बैचलर्स किए तब तक आप पढ़ रहे होते हैं, फिर इंग्लिश में हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, अखबारें पढ़ रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो अब उसको जर्मन 1 साल की सीखने से, 2 साल की सीखने से तो नहीं उसको कंपेयर कर सकते ना। फिर जर्मनी में जब आप 10 12 15 साल रहते हैं और वो लैंग्वेज बोलते रहते हैं, उसमें आपने पढ़ाई की होती है, फिर उसी में जॉबें कर रहे होते हैं, फिर उसी में बात कर रहे होते हैं, पूरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर कहीं जाके वो लेवल उसके अकॉर्डिंग आता है, तो ये तो बड़ी एक अंडरस्टूड सी बात है।